हाय गाइस, आज यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइजेशन UEE के सेम जो हमारा वेल्डिंग चल रहा था इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इसमें क्या है नेक्स्ट टॉपिक वेल्डिंग कंट्रोल सर्किट इन एसी सप्लाई कि वेल्डिंग कंट्रोल को क्या करेंगे एसी सप्लाई करेंगे। तो कैसे कंट्रोल करते हैं ये हमारा ये ट्रांसफार्मर, फिर इसमें क्या करते हैं हम और दो ट्रांसफार्मर बनाएंगे। अब क्या करेंगे इसको कि यहां हम क्या करेंगे ये क्या हमारा इनपुट सप्लाई होगा इन सिंगल फेस अब इसको क्या करेंगे हम ये है यहां जो सिंगल वो सीधा जाएगा, सेकंड को क्या करेंगे हम इसमें कनेक्ट करेंगे, फिर क्या होगा हमारा ये इससे हमारा क्या आएगा ये क्या होगा ये होगा टू इलेक्ट्रोड, ये हमारा टू इलेक्ट्रोड और ये हमारा क्या होगा वर्क पीस टू वर्क पीस। तो वेल्डिंग कंट्रोलिंग एसी सप्लाई जो था हमारे पास वो इस टाइप का था। तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रांसफार्मर सेट कन्वर्ट क्या करेंगे यहाँ ये हमारा कितना होगा सॉरी 230 वोल्ट एसी सप्लाई और ये हमारा क्या है ट्रांसफार्मर है, इसको क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे वेल्डिंग क्या है ये हमारा इसको क्या बोलेंगे वेल्डिंग ट्रांसफार्मर बोलेंगे। तो इसमें और ये क्या हमारा रिएक्टर वेल्डिंग ट्रांसफार्मर वो हमारा क्या है रिएक्टर, ये हमारा टू इलेक्ट्रोड और टू वर्क पीस। अब इसमें है कि नेक्स्ट टॉपिक इसमें कितना एसी सप्लाई के कितना चाहिए हमें 230 वोल्ट चाहिए और ये हमारा जो है कोर वाइंडिंग जो है हमारा क्या होगा वेरिएबल रिएक्टर चोक जो कंट्रोल सेकेंडरी करंट को क्या करेगा ये ट्रांसफार्मर को सेकेंडरी करंट ट्रांसफार्मर, फिर इसमें वाइंडिंग ट्रांसफार्मर सेट रिएक्टर वाइंडिंग कैन बी प्लेस्ड एंड कॉमन कोर सो सर्किट अरेंजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ टू बॉडी वेल्डिंग सेट, इसमें किसके लिए टू बॉडी को वेल्डिंग सेट के लिए क्या करते हैं उस ऑपरेशन में इसका हम क्या करेंगे ऑपरेशन को क्या करेगा यूज करेगा। द वेल्डिंग करंट इज वेरीड बाय चेंजिंग द एयर गैप, क्या होगा जो वेल्डिंग जो हमारे पास वाइंडिंग जो होगा क्या करेगा वेरीड करेगा चेंजिंग एयर गैप इन द रिएक्टर कोर, रिएक्टर कोर में क्या करेगा चेंजिंग करेगा। एज द गैप इज रिड्यूज इन द रिएक्टर इन द वेल्डिंग सर्किट इज इंक्रीज, आज जो हमारा क्या होगा जो रिड्यूज होगा कौन सा एयर गैप जो हमारा एज द गैप इज रिड्यूज जो हमारा गैप होगा क्या होगा रिड्यूज होगा कम होगा, तो जब हमारा रिड्यूज क्या होगा कम होगा तो रिएक्टेंस इज क्या होगा वेल्डिंग सर्किट इज जो हमारा रिएक्टर जो हमारा वेल्डिंग सर्किट है क्या होगा इंक्रीज होगा। तो ये टॉपिक था हमारे पास एसी सप्लाई जो हमारा पावर सप्लाई है जो कैसे वेल्डिंग कंट्रोल कैसे करता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि जो हमारा है वेल्डिंग जो वेल्डिंग हमारे पास एसी वेल्डिंग और डीसी वेल्डिंग एसी डीसी वेल्डिंग, तो क्या होता है एसी और डीसी वेल्डिंग में ये कई बार क्वेश्चन 5 नंबर में मिल जाएंगे आपको, इसमें क्या करना होगा हमें प्रूफ रनिंग कॉस्ट इज लो, इसमें क्या है रनिंग कॉस्ट इज लो, इसमें रनिंग कॉस्ट क्या है हमारे पास लो है लेकिन इसमें रनिंग कॉस्ट क्या होगा इसका उल्टा होगा इसमें कम है इसमें क्या होगा ज्यादा होगा। तो अब इसमें क्या है आर इज नेवर स्टेबल और इसमें क्या होगा आर किस मोर
स्टेबल। फिर इसमें क्या करेंगे, द इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी यूज, इसमें ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, इसमें ऑल टाइप ऑफ, इसमें क्या है, ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी यूज, कैन नॉट बी यूज, इसमें ऑल टाइप का क्या है इलेक्ट्रोड नहीं यूज करते हैं, ओनली कोटेड, ओनली कोटेड कैन बी यूज। इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी किसी भी तरह का एनी टाइप इलेक्ट्रोड कैन बी यूज, इसमें क्या है एनी टाइप इलेक्ट्रोड कैन बी यूज। तो ये हमारा था एसी वेल्डिंग और डीसी वेल्डिंग में डिफरेंस। फिर इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक आता है कि वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर, वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर, एल्यूमिनियम का एल होता है, कॉपर का क्या होता है, तो इसमें क्या करेंगे एल्यूमिनियम वेल्डिंग ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो इस जो इसमें हमारा जो यूज होगा, इस टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग का यूज होगा, वो मटेरियल प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्रॉस ऑफ एयर बाय सीटेड इंटर गैप सच एज CO2, कौन कौन सा गैस इसमें होगा, CO2, आर्गन और हीलियम। इसमें वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर के अंदर में, तो इसकी जो है इस टाइप का इसमें डायग्राम होता है, इस टाइप का बना होता है। इसमें क्या होता है, हमारा ये वर्क पीस है, ये जो हमारा क्या होता है जॉब होता है, इसमें इसकी जो डायग्राम होती है ये इस टाइप का लगे होते हैं, तो इस टाइप किसका क्या होता है बनावट होती है, और ये जो हमारा, ये हमारा क्या होता है वेल्ड, ये जो हमारा है इसको क्या बोलेंगे ये क्या होता है होल्डर होता है, और ये गैस सीडेड, ये हमारा क्या है गैस सीडेड, गैस शील्ड, और इसमें और ये क्या होगा, इसमें इनलेट होगा किस, क्या होगा गैस का, ये हमारा क्या है इलेक्ट्रोड, इसको क्या बोलेंगे हम ये क्या है इलेक्ट्रोड है, और ये हमारा क्या है वर्क पीस, इलेक्ट्रोड रोड पीस को बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रोड। तो क्या होगा इसमें कि किस टाइप को क्या करेंगे, ये हमारा क्या है वेल्ड हो रहा है, तो वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर को हम वेल्डिंग करने के लिए ये हमारा CO2 आर्गन और हीलियम पर करेंगे, जो हमारा क्या है, ये क्या है इसका ब्लॉक डायग्राम है, तो इस टाइप का हम क्या करेंगे इसको यूज करेंगे, इसको कॉपर और एल्यूमिनियम को वेल्डिंग करने के लिए। ये हमारा इलेक्ट्रोड रहा, इस ये होल्डर है हमारे पास, ये इनलेट गैस, इसमें गैस क्या होगा इनलेट होगा, ये हमारा इलेक्ट्रोड रहा, और ये हमारा वर्क पीस, इसको इलेक्ट्रोड बोलेंगे। तो ये हमारा था वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर का, तो ये हमारे पास था ये डायग्राम।
जब हमारे पास आएगा कि एक्सप्लेन वेल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर, तो हमें ये क्या होता है इसका थ्योरी भी लिखना पड़ेगा और इसका ब्लॉक डायग्राम दिखा के बनाना पड़ेगा। थैंक यू।